यार गिद्दड़ वो दोस्तों देखे ओए हो ये डॉग गए दोस्तों पीछे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। हमारे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा दोस्तों, गिद्दड़ के शिकार के लिए हम आए थे, शिकार नहीं मिला तो आगे से आगे सफ़र करते हुए अब हम रैबिट्स के एरिए में आ गए हैं जी। तो यहाँ पर शिकार की तलाश करनी है, शिकारी इतने तो मोटरसाइकिल पहुँच गया कितने इतने पूछ पी है। पर गिद्दड़ का शिकार करने के लिए आए थे शिकारियों का दोस्तों, अब मूड चेंज हो गया कि टिब्बे पर रैबिट्स का शिकार करते हैं जी। यहाँ पर पूछ पड़ रही है कि रैबिट्स बहुत सारे हैं जी, तो रैबिट्स का शिकार मैं पहले ये समझता था कि डोस के ज़रिए ये मरवा देते होंगे जी, लेकिन अब पता चला है कि खाने के लिए शिकार करते हैं रैबिट्स का, उसको फौरी तौर पर ज़िबा कर कर खा लेते हैं जी। मैंने कभी रैबिट्स का मीट जो है खाया नहीं है दोस्तों, आपने अगर खाया तो बताइएगा कि कैसा होता है जी। तो दोस्तों ये एरिया जो है यहाँ की, इनको शिकारियों को इतला मिली है कि यहाँ पर बहुत सारे सैयड हैं जी, तो देखते हैं कि क्या बनता है। सामने से शिकारी आ रहे हैं, यहाँ से हम गुजर कर जा रहे हैं, नीचे ज़मीन पर ही नजरें हैं। लास्ट टाइम जब शिकार देखा था शिकारी खुरे ही देखते थे जी, तो अभी तलक हाँ यहाँ पर हैं खुरे दोस्तों, ये देखें मींगने भी की हुई है। उधर से शिकारी आ गए, चेक कर रहे हैं खड़का खड़का कर दोस्तों। गिद्दड़ का शिकार देखने आए थे, रैबिट्स का शिकार देखने को मिल रहा है। खुरे दे थे क्या ना खरगोशा दे, अगले दिन ऐसे पक्षी वास आए सन, इतने सारा एरिया फिरते रहे हैं। कल लै गए ना फद के, वहां सानू पता ही नहीं चलिया, पूछ पई ये बाद चे उतो पर दो फदे ने ना, बंदे भी दो ही कुत्ते लैके आए सन ना, दो चार बंदे सन रिक्शे च आए ने। किन्ने के कुत्ते सन कल? दो कुत्ते सन। सुना आखू तू अज बड़ा लेट आया। अच्छा कल दोस्तों रैबिट्स का यहाँ पर शिकार हुआ, हमें पता ही नहीं चला जी। खैर शायद आज भी कोई शिकार देखने को मिल जाए। चाचा कुत्ती सही है, शिकार ते भी लगी हुई है, गिद्दड़ ते सेह लगी हुई है। जैसे ही मालिक देखा रस्सी खड़काता है दोस्तों, डॉग जो है वहीं पर भाग कर चेक करता है। हाँ लावे लाया तो किस काम ते मर्जी ला लिए, डिब्बे में चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है दोस्तों, मट्टी बहुत ज्यादा है, पाँव धंस रहे हैं जी। जा रहे हैं सामने सरसों का बाग है, वहाँ पर ट्राई मारनी है शिकार की शायद, वहाँ पर शिकार हो, पीछे भी काफ़ी शिकारी आ रहे हैं। यहाँ पर आकर दोस्त रैबिट्स के खुरे जो हैं इस तरफ जा रहे हैं, ये देखें यहाँ पर बहुत सारे खुरे हैं दोस्तों रैबिट्स के, और ताज़ा खुरा नहीं है, रात के खुरे हाँ ये ताज़ा लगता है। पूरे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे हैं, अब देखना ये है कि शिकार देखने को मिलता है या नहीं मिलता जी। पूछते हो उधर से दोस्तों शिकारी हो, अच्छा कुत्ते अगे नो लिया अगे नो ओए शिकार देखने को मिला दोस्तों, लेकिन हम नहीं पहुंच सके जी, वो शिकारी गए पीछे पीछे, वो शिकारी गए पीछे पीछे। किधर रुक गया किसे? गिद्दड़ था बता रहे हैं दोस्तों, वो सामने देखे डॉग्स लेकिन निकल गया, पकड़ा फिर भी नहीं गया दोस्त, पकड़ा नहीं गया।
इन जगह पर इन्होंने अपने घर बनाए होते हैं। अगर दोस्त को कितना नजर आ गया दोस्तों, शिकारी सारे भागे भागे जा रहे हैं, मुझ में हिम्मत नहीं है कि भाग सकूं। वो सामने देखें ब्लैक डॉग को लेकर शिकारी कितनी स्पीड से भागा हुआ जा रहा है। इधर भी देखें सारे के सारे ऊपर पहुंच चुके हैं, और वो सामने सरसों की फसल के अंदर गिद्दड़ चला गया। आज शायद शिकार कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा, या रैबिट या गिद्दड़ का शिकार। दोस्तों शुरू में आपने देखा चंद शिकारी थे, अब कोई 50 के करीब शौकीन जमा हो चुके हैं देखने वाले। हाँ कुत्ते नू ना बजान ते पहले चेक करन खुरे थे, एवं सही हड़ नहीं लगता। यहाँ पर देखें टिब्बे में सब्जी की बिजाई हुई है दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है टिब्बे पर फसलें देखकर, हरियाली देखकर। कभी आया करते थे तो यहाँ पर सारा ही टिब्बा हुआ करता था, अब माशाल्लाह लोगों ने मेहनतों से रकबे आबाद कर लिए हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों कितनी गहरी जगह है, यहाँ से गुजरकर वापस ऊपर चढ़ना। बड़े गहरे गहरे खाले बनाए हुए, क्योंकि मुश्किल से ही पानी इनको मिलता है, पानी को फिर ये स्टॉक कर लेते हैं। कांटे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हमारे पहुँचने से पहले ही शिकारी पहुँच कर शिकार शुरू कर देते हैं। इस सामने सरसों की फसल के अंदर सर्च कर रहे हैं। अब शिकार का सही तरीका इन्होंने शुरू किया है कि डॉग्स छोड़ने के बजाय बंदे अंदर चेक कर रहे हैं, और शौकीन देखने वाले सारे यहाँ पर जमा हुआ है। देखें सारे इतों मुश्किल ही निकल सी, उस दिन बंदा दसता पिया सी। अच्छा स्पीड तो फिर जंगली थी, बता रहे कि रैबिट निकला था लेकिन स्पीड लगा कर भाग गया है दोस्तों। चले अब आगे ही जा रहे हैं, पहले ही चल चल कर बस हो चुकी है, अब आगे मजीद चलना पड़ेगा दोस्तों। देखें कितनी जमा हो चुकी है दोस्तों, 60-70 बंदे जमा हो चुके हैं अब तक देखने के लिए। शौकीन ज्यादा है शिकारी कम है। डॉग्स भी शुरू में 4-5 ही थे, अब देखें कितने ज्यादा डॉग्स इकट्ठे हो चुके हैं। ये ले जी शिकारी यहाँ पर जमा हो चुके हैं, अब सारों ने इकट्ठे जाना है दोस्तों। पैदल चल चल कर दोस्तों हमारी बस हो चुकी है जी, टिब्बा है रेतला इलाका सारा। यहाँ पर चलना भी बड़ा दुश्वार है, शिकार में कामयाबी पता नहीं आज भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा जी, तो देखते हैं। ये तो सही अड़ी लब्बे तो लब्बे, किधर नहीं लाभता। देखिए बंदे देखिए कितने ज़्यादा जमा हो चुके हैं दोस्तों, उधर से भी शिकारी 4-5 लोग लेकर, जो इनका तरीकाकार है मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मिलेगी जी। तो सही अनजान है जी, नामुमकिन सी बात है कि कोई शिकार इनको मिलेगा जी, क्योंकि तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। शोर मचाते हुए जा रहे हैं, गिद्दड़ होगा तो उसने भाग ही जाना है। अलबत्ता ये कि रैबिट मिल सकता है जिस तरीके से ये शिकार खेल रहे हैं। कुछ चीज़ है दोस्तों, किश है गिद्दड़ नजर आया शिकारियों को, ऐसे ही पागल बना रहे बच्चों के देखने के लिए, कैसे बड़ों से ज्यादा बेताब है दोस्तों ये। इधर आ गया पप्पू, ये क्या इधर से आ गया दोस्तों, देखिए ना बड़े वो यारा गिद्दड़ वो दोस्तों देखे, ओए हो ये डॉग गए दोस्तों पीछे। किधर गया वो, तो आपस से वो देखो डॉग्स के काम देखे। अभी तक डॉग्स दोस्तों पीछे हैं गिद्दड़ के, और हम इस
काफी फासले पर है, भागकर पहुंच भी नहीं सकते। गिद्ध मैंने देखा है दोस्तों, कैमरे में नहीं आ सका, खुद देखा है मैंने। इन देखो शिकार देखने वास्ते कंडिया जी अपना मोटरसाइकिल पा देता वेली। वो देखें उधर जाकर शायद डॉग्स ने पकड़ भी लिया। सामने वाली सरसों के अंदर शिकारी आवाजें देकर बता रहे हैं कि यहाँ पर गिद्ध है दोस्तों, लेकिन इतना फासला देखकर हिम्मत नहीं हो पा रही जी, तो यहीं पर ही खड़े होकर देखते हैं शायद निकले और गिद्ध इस तरफ ही रुख करे जी। अच्छे खासे दूर है, मगर अपना पूरा कैमरा देखें ये करूँ तो इधर से देखें इतना फासला है, यहाँ से जूम कर कर ही इनकी एक्टिविटी देखते हैं। देखें सामने डॉग्स जो हैं सरसों के अंदर घुस गए हैं दोस्तों, यहाँ पर बैठे भी शिकार देखा जा सकता है। दोस्तों देखें गंदम की फसल में बकरियों वाले बकरियां चरा रहे हैं, हमारे साथ साथ इन शिकारियों की भी बस हुई पड़ी है जी। इधर ही हम तो बैठ गए देखने के लिए कि शायद शिकार निकले तो इस तरफ ही आए जी। बस आखिरी दो चार पाँच मिनट ही हमने भी और देखना दोस्तों, फिर वापसी का रुख ही करेंगे। वो वो अगे हो जाओ, तुम अगे हो जाओ, कुत्ता लैके गिद्ध उतरो, मैं लगता शायद इतों तो आवे। लगता है शिकार लगा पड़ा, आवाज आ रही शिकारियों की दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं है भैया, मजीद भागने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे कि इन्होंने गिद्ध पकड़ लिया हो जी। करीब आए हैं तो वेलियो ऐवे शोर ही मचाया है, गिद्ध नहीं फरीदा, चल चल के मर गए इतने, बस आखिरी नुक्कड़ है, इतने 10 मिनट बह के वेखने, फिर इस तो बाद सीधे घर ही चलने हैं। वेलियो 3 बज चुके हैं, 3:30 हो चुके हैं दोस्तों, 1 बजे इस काम को शुरू हुए थे, 2.5 घंटे हो गए हैं जी, और ये सोच कर घर नहीं जा रहे कि रेसी जाइए तो पिछों शिकार खेडी खड़े हो मन। दोस्तों यहाँ से इस तरफ से आ रहा है जी, पीछे पीछे शिकारी भाग आ रहे हैं। इतना रोक ला मोटे ना बाज ना, खड़े होकर मोटे रोक ला तू भाई, इतना हमें रोक ला ना बाज। दरख्तों के पीछे है शिकारी, ओए इधर से दो देखें पैरट्स, देखें 2 पैरट्स दोस्तों, और लग भी रा या टियर ही रहे हैं जी, दोनों निकल कर इधर से गए हैं। बहुत पैरट्स आते हैं, सारे टिब्बे की तरफ ही आते हैं सरसों के बाग में, सैर व तफरी कर कर वापस भाग जाते हैं, और ये शिकारी देखे इधर से आवाज़ सुनकर भागे भागे उधर गए, और सुबह से इस तरह कोई 50 बार भाग चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम भी ऐसे ही भागते रहे, लेकिन अब हमें भी समझ आ गई कि हमें कल्ला ही नहीं परा निगाह रखी जी, मेरे को 10 आए फिर दे। यहाँ से बता रहे हैं दोस्तों 2-3 गिद्ध थे, लेकिन सरों बहुत लंबी और गिद्ध इनसे पकड़ा नहीं गया, लेकिन आज थोड़ा सा ये है कि मज़ा आया, चलें शिकार हमें नहीं देखने को मिला तो दूर से ही आवाज़ें तो सुनाई दी हैं जी। इन सरसों के बीच में से गिद्ध का शिकार बड़ा ही नामुमकिन ही है दोस्तों, गिद्ध एक से निकलता है दूसरी जगह घुस जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे बहुत ही नामुमकिन है। ये शिकारी भी वापस ही जा रहे हैं, वापस चले जाए वीरे, ठीक हो गया, असी भी उन घर ही निकलने वेलियो। उधर से वो शिकारी भी देखें, ये भी वापस ही सारे आ रहे हैं जी। मोटरसाइकिल हमारा टिब्बे में खड़ा दोस्तों, और पैदल चल चल कर हमारा सांस फूल चुका, इतना फासला हमने पैदल किया है कि अब चलने की हिम्मत नहीं रह गई है जी थोड़ी सी भी। अब जाकर दोस्तों हमारा मोटरसाइकिल नज़र आया, देखें वो सामने दरख्त के पीछे खड़ा, और हम अभी इतने फासले पर हैं जी। फिर दोस्तों मोटरसाइकिल पर बैठकर ही सुकून आया है जी, यहाँ भी देखें टिब्बे में जगह जगह बकरियों वाले अपनी बकरियों को लिए फिरते हैं। रास्ता देखें दोस्तों, बन्ने पर से ही हम गुजर कर जा रहे हैं जी, वे आगे तो खाला है जी, चल चल गया गया। तो अभी अभी मैंने शिकरे को देखा, इसने नीचे गोता लगाया और अपना शिकार उठाकर, मेरा ख्याल है पकड़ा नहीं गया शिकार, चूहों का शिकार करता है जी। आज भी असी तो रो लगे हैं, पेंचर ही खड़ा सी ला लिया। इधर देखे डक्स दोस्तों, वाइट डक जो है ये पानी में नहा रही है, कासिम इधर ट्राली को खोले हुए, पेंचर हो खड़ी है। हाँ जी पेंचर,
ला लेगा सामान हमारे पास पेंचर का पूरा। असि तो टोवा ट्रक इन्ने टुरे इन्ने कद जिंदगी से नहीं टुरे ना भी। तो दोस्तों व्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं, बस हो चुकी है अभी के लिए, इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।